तो गाइस यहाँ फंस चुका है भाई अपना बादशाह। देख रहे भाई रस्सी वस्सी बांध के रखा हुआ है ताकि टमाटर एक दूसरे पे ना गिरे इसका पेड़। तो पहले कंप्लीट करके उसके बाद आपको दिखाएंगे रिजल्ट। कर रहे छोटू भाई? मैं ये लगा रहे ये वाला फॉर्म यहाँ जस्ट में जाएंगे ना, ऐसे पैकिंग होगी, अभी छांटेंगे इनसे छोटो की। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस सुबह के 9 बज चुके हैं भाई और फाइनली हम पहुंच चुके थे रात को लोडिंग पॉइंट पे भाई, और अभी जा रहे हैं लोडिंग करने गाइस। और आपको रास्ता पहले दिखा देते हैं भाई, चेक कर रहे भाई, ऐसा रास्ता ना मैंने कभी नहीं देखा, बिल्कुल छोटा सा रास्ता भाई, देख रहे हो। भाई ने बोला कि जाते जाते ना आपको लंबा घूम के जाना पड़ता है, इसलिए हमने जाते जाते शॉर्ट रास्ते से निकाल दिया भाई। देखो यार एक गाँव से निकले, यहाँ ना लाइट की तारे वारे बहुत ज़्यादा नीचे थी, और अपने साथ अपने लेबर भाई बैठे हुए। भाई आप कहाँ से हो? यूपी से। यूपी के भाई, हर जगह जाओगे यूपी के भाई मिलेंगे। तो अभी छोटू भाई चल रहे हैं कंटिन्यू भाई, पेड़ है देखना। तो करते हैं आज का व्लॉग यहीं से कंटिन्यू, अभी तक जिन भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, और चलते हैं सीधा लोडिंग पॉइंट पे। लाइफ में ना फर्स्ट टाइम टमाटर लोड हो रहा है, अंगूर मिर्च उसके बाद केला हर चीज़ में चला हूँ, अदरक, लेकिन ये ना टमाटर पहली बार लोड कर रहा हूँ। तो गाइस चलो पहले पहुँचते हैं खेत में भाई, क्योंकि ना यहाँ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ता है, इस रास्ते से निकलते हैं और पहुँचते हैं खेत में, वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे आज टमाटो लोड कैसे हो रहा है भाई। तो गाइस चेक कर रहे हो भाई हम कहाँ पे आ गए भाई, कुछ इस तरह की लोकेशन पे आ गए भाई, रोड वगैरह है ही नहीं। अगर कच्चा माल अक्सर लोड करने जाना पड़ता है ना तो भाई ऐसी जगह जाना पड़ता है। अब यहाँ भाई को पूछेंगे कि गाड़ी कहाँ नीचे लेके जाना है। एक मिनट रुक जा रुक जा, हैंड चेक करो, कहाँ से गाड़ी घुमाएंगे, हैंड चेक करो, कहाँ से गाड़ी घुमानी है? वहाँ से। अब ये स्कूल नहीं पढ़ते आप? पढ़ते अभी जाएंगे। तो गाइस यहाँ फंस चुका है भाई अपना बादशाह, टायर को भी पकड़ लग सकता है भाई। चलो आने दो, आराम आराम से, ऐसी जगह पे भाई जाना पड़ता है क्योंकि ऐसा सीन है ना भाई, ऐसी ऐसी जगह है ना जहाँ गाड़ी घुसानी पड़ती है, मेन रोड से ना 500 मीटर अंदर ही आए, तो यहाँ बननी हुई है रोड। भाई ने बोला घुमा के आने आना, आस्ता आस्ता आराम आराम ले आ ले आ ले आ। कहाँ से जाना है? इधर से घुमा के नहीं, हाँ यहाँ यहाँ ठीक है। नहीं जूता डालो पहले पाँव के साथ, जाओ फिर हम वीडियो अच्छे से शूट करेंगे, जाओ वीडियो वगैरह शूट करेंगे। गाड़ी एक जगह से लोड हो जाएगी, दो जगह से यहाँ पर दूसरी जगह, वो कहाँ है दूसरी जगह? कितना आगे? 7-8। अरे करेट टूटे हुए ना, करेट ऐसे एडजस्ट करना कि टूट ना जाए, क्योंकि अक्सर करेट टूट जाते हैं ना वो हमारे सर बात लग जाती है। वो ऐसा है ये यहाँ पे दोबारा नहीं आई करेट, गाड़ी रोड पे मिलेगी करेट। आप दूसरी लोडिंग रोड पे ही है? नहीं यहाँ से करेट ट्रैक्टर में लोड करके रोड पे ही होगा, इधर गाड़ी नहीं आएगी अंदर। आप दूसरी जगह जहाँ पे है अब वहाँ पे जाएंगे तो वो रोड पे लाएगा? वहीं पे रोड पे ही हुआ, रोड पे ही वाला है बस। ठीक है फिर अच्छी बात है। तो यहाँ से गाड़ी घूम के ना उधर से निकल जाएगी भाई, क्योंकि यहाँ से गाड़ी घुमाने की जगह नहीं है, वैसे भी घर के पास पहुँचे ना वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो गैस जो क्रेट वगैरह उतारने थे भाई ने वो उतार लिए, यहाँ पे उतार लिए क्योंकि यहाँ से आधा माल लोड होगा, और इन्होंने बोला कि हम यहाँ से ना उसको पैक करके ना ट्रैक्टर पर बाहर रोड पर रख लेंगे, उसके बाद ना हमें जाना है दूसरे पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट से हमारी गाड़ी फुल लोड होगी, वहाँ से लोड करके आएँगे वापसी पर यहाँ से डाल देंगे। तो चलो दिखा देते, देख रहे भाई अपनी गाड़ी कहाँ से घूम रही है भाई, और जंगल में ही आ गए भाई, इस वाले जंगल में ना बड़ी ध्यान से चलना पड़ता है। आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो, तो वापस निकल चुके हैं भाई, अखबार वगैरह भी भाई ने इधर रख दी पैक के लिए, अब भाई हमारे साथ जाएंगे आगे। तो मतलब फर्स्ट वाले स्पॉट पे ना वहाँ से लोड करके वापस आएंगे, ट्रैक्टर में डाल के यहाँ से निकल जाएंगे, ऐसा ही होगा ना? ऐसा ही होगा है ना? क्या अरे यार ये तार टूट जाएगी ना, यही तो मसला है ना सारा, पीछे बाइक है। तो गाइस यहाँ देख रहे हो वायर बिल्कुल पास में है, तो भाई एक को बोल दिया वो करेगा, क्या बोल रहा है। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट हो चुका है भाई जंगल, देख रहे हो आज ना खाना जंगल में ही बनेगा, जंगल में बनेगा आज खाना, जंगल में है भाई साहब जी, आज खाना जंगल में बनाएंगे। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा यही ट्राई करेंगे भाई, अपना कैंपिंग वाला सामान ले लेंगे और कहीं जंगल वंगल में रुकेंगे ना, वहाँ खाना वगैरह बनाएंगे। चलो तो गाइस आ चुके हैं घाट में, यहाँ देख रहे हो घाट पे चढ़ना पड़ेगा, और आप ना घाट पार करके ही शायद कहीं पे लोडिंग हो जाएगा। ना करे किसी के साथ ऐसा हो भाई, देख रहे हो जंगल के बीच सुनसान एरिया के बीच भाई की गाड़ी हो गई है ख़राब, और यहाँ मैकेनिक वगैरह मिलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, देख रहे हो फंस गए
भाई जंगल के बीच ही। क्या ही करें भाई, हम रुक ही जाते, लेकिन ऐसा सीन है हमें तो आपको पता भी है कच्चा माल लोड करना है, तो भाई महाराष्ट्र का इस रास्ते से जा रहा था बट यहीं फंस गया भाई। इसलिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा हमेशा भाई, देखो सुनसान इलाका हो ना, दो गाड़ियाँ ग्रुप में जाओ, अकेले मत जाओ भाई। घाट पार करके भाई ऐसा फील हो रहा है नई दुनिया में आ गई, यहाँ देख रहे हो ओए होए कितनी प्यारी जगह है भाई, कितनी प्यारी, यहाँ देख रहे हो, चेक कर रहे हो भाई, छोटू भाई अच्छी लगी? जबरदस्त जगह, बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी। अब आगे देखना है हमारी लोकेशन कितनी दूर है भाई, क्योंकि वहाँ भाई ने बोला ना ट्रैक्टर से माल आएगा लोड करेंगे वापस निकल जाएंगे, लेबर वाले हमारे भाई अपनी गाड़ी के पीछे डाले में ही और एक भाई हमारे साथ बैठे हुए। अभी चलो पहुँचते हैं मेन पॉइंट पे जहाँ से लोडिंग है, वहाँ गाड़ी रोकते हैं, खाना वगैरह रेडी करते हैं भाई और आपको दिखाते हैं टमाटर कैसे पैक हो रहा है। तो गाइस पहुँच चुके हैं भाई, यहाँ देख रहे हो यहाँ से टमाटर वगैरह, चलो चलो यहाँ यहीं से होगी ना लोड, बैग मतलब। तो अपना बच्चा यहाँ पे कर लिया पार्क और गाइस यहाँ रहा भाई टमाटर ही टमाटर भाई, देख रहे हो चेक कर रहे हो, यहाँ से हम लेके जाएंगे टमाटर भाई अपने कश्मीर में भाई, देख रहे हो टाइम भी बहुत है, टाइम कितना लगेगा, कितना घंटे, 50 घंटे की मंडी, चलो कर लेंगे भाई कोई टेंशन नहीं है, धुंध है बस धुंध की रिस्क है, कितना ही ये 40 की, 50 की है ना, 50 घंटे की मंडी कर लेंगे। और गाइस देख चेक कर रहे भाई टमाटर वगैरह, छोटे भाई खा लें कुछ अच्छा, हाँ पहुँच जाएगा कश्मीर हमारे ही है ना, हमारी गाड़ी में जाएंगे ना, ऐसे पैकिंग होगी अभी छांटेंगे इनसे, छोटोगे इनसे, कितने केजी वाला होता है ये क्रेट, 25-26 और गाइस एक चीज़ दिखा देते हैं आपको, यहाँ देख रहे हो ये साइज़ वगैरह ना निकाल निकाल के डालेंगे भाई, और कश्मीर में एक नंबर जाएगा क्या, एक नंबर हमारे कश्मीर में ना एक नंबर दिखा, वो दिखा देते भाई आपको, ये देख रहे हो सारी गाड़ी आधी यहीं से होगी आधी रास्ते वापस, चलो भाई हो गया आधा क्रेट मतलब आधी गाड़ी यहाँ से और 180 क्रेट तो आ गया है बाकी पूरी है, चलो भाई ये तो हो चुका है अपना फाइनल भाई, क्रेट वगैरह यहीं उतारेंगे, सारी गाड़ी यहीं से लोड होगी, सिर्फ 180 क्रेट जो हम वहाँ छोड़ के आए वो वहाँ से डालेंगे, ठीक है। बाकी आपको दिखा देते हैं भाई ने टमाटर यहाँ उतार के रखे, यहाँ से पैक करेंगे, मतलब छोटे साइज़ वाले अलग और बड़े वाले अलग। भाई ये क्या चीज़ है ये ट्रे कौन सा इसमें, अच्छा इसमें पौधा बीज इसमें डाल के पौधा तैयार होता है फिर यहाँ लगता है, क्या बात है यार, बड़ी मेहनत लगती है इसमें, यहाँ देख रहे भाई रस्सी वस्सी बांध के रखा हुआ है ताकि टमाटर एक दूसरे पे ना गिरे इसका पेड़, देख रहे भाई वही वही, क्या बात है क्या बात है। एक बात देखी जाए ना भाई, ये वाला काम भी ना इसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है भाई, देख रहे हो पहले छोटा सा पेड़ लगाना, उसको पानी देना, फिर रस्सी बांधना, ये देख रहे हो फिर ये रस्सी बांधना, मतलब किसान ना कितना भी खर्चा कर लेना किसान को वापस में उसका मूल नहीं मिलता भाई, ये चीज़ आजकल ना आम हो गई है भाई। तो चलो कोई नहीं, हम जीन जान लगा के चले जाएंगे सीधा कश्मीर, 50 घंटे की मंडी कर लेंगे भाई, धुंध है वैसे भी तो रिस्क है भाई, क्या ही करें, जब काम करना है तो करना है यार, धुंध में आराम आराम से चलेंगे भाई, अगर सूखा माल हो तो हम तो रिस्क लेते नहीं, आपको ये चीज़ भी पता है। तो चलो अब देख रहे हैं गाड़ी वहाँ से अनलोड कर रहे हैं अभी क्रेट भाई, पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रात के 10 बजे यहाँ से गाड़ी निकलेगी, उससे पहले चलो भाई शूट कर लेते हैं, एक रील्स वगैरह शूट कर लेते हैं, अभी तक जिनने फॉलो भी नहीं किया जाओ राजा रमीज व्लॉग्स फॉलो करो भाई, 100K के पास ही हम, जल्दी से जल्दी 100K करवा दो जाओ, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और फेसबुक को भी, पहली बार बोल रहा हूँ भाई इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन में और फेसबुक भी, ठीक है जाओ। तो यहाँ धूप बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि हमें ना एक मंथ बाद धूप मिली थी भाई MP में आके, वो भी ठीक है, राजस्थान में भी धुंध मिली, पूरे मतलब पंजाब में भी धुंध, कश्मीर से जब निकले थे धुंध ले अपना धूप देख के निकले थे, अब वापस जाएंगे कश्मीर, और नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का हो जाए आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं प्रॉमिस करता हूँ जहाँ के ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं वहीं पर आऊँगा भाई। तो गाइस दो टमाटर ले आए भाई सलाद के लिए, यहाँ का लोकल टमाटर ट्राई करेंगे, ठीक है भाई ने बोला टमाटर ले जाओ, और यहाँ देख रहे हो भाई क्या कर रहे हो छोटू भाई, ये लगा रहे ये वाला फॉर्म यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से ना पूरी ठंड जा रही है, और आपने वो पर्दा क्यों नहीं लगाया, उससे खराब हो जाता है ये शो खराब हो जाती है, हाँ ये भाई यहाँ देख रहे हो यहाँ पेच वगैरह लगाते हैं और यहाँ रेडियम वगैरह कुछ लगानी पड़ती है तो ये खराब हो जाता है, छोटू भाई ने ये वाला फॉर्म ले लिया, यहाँ चेक कर ये वाला, अब ठंड नहीं जाएगी ये वाली, मतलब ये वाली जगह बंद कर ले, ये वाली नहीं करेंगे क्योंकि रेडिएटर को बीच हवा चाहिए ना, तो ये वाली जगह हम बंद कर देंगे क्योंकि आपको पता भी है कश्मीर में इतनी ठंड है ना जो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है,
तो चलो पहले रेगुलेटर नया लाया है, रेगुलेटर वगैरह लगा लेते हैं, खाना वगैरह बना लेते हैं, सब्जी तो बनी हुई है, हम चावल वगैरह रेडी करके खाना खाएंगे, फिर उसके बाद करेंगे ब्लॉग एडिट भाई, फिर देखेंगे कब लोडिंग हो रही है। तो गाइस दिन के एक बजने वाले हैं भाई, लंच वगैरह हो चुका है, तो यहाँ देख रहे हो आगे बाहर, क्योंकि अपनी गाड़ी में ना पॉलिश वगैरह करनी है, यहाँ ना गर्मी है ना, तो सोचा भाई पॉलिश वगैरह कर ही लेते हैं। और यहाँ देख रहे हो अपने गगन भाई ने, गगन भाई थैंक यू सो मच, गगन भाई ने ये वाली चीज़ें दी थी हमें कि राजा भाई ये वाली पॉलिश कर रहे हैं, गगन भाई ये वाली चीज़ ट्राई कर रहे हैं, ठीक है अब देखेंगे ये कैसी लगेगी। तो चलो देखते हैं शाइन आती है नहीं, उससे पहले पॉलिश वगैरह कर लेते हैं मैं और छोटू भाई, कंटिन्यू मेहनत करेंगे, ठीक है मेहनत करके उसके बाद आपको दिखाएंगे रिजल्ट। तो गाइस आ चुका है अपना टाइम, छोटू भाई लगाएगा पॉलिश और साथ साथ मैं मारूंगा कपड़ा, तो चलो पहले कंप्लीट करके उसके बाद आपको दिखाएंगे रिजल्ट पॉलिश का, ठीक है शाम को दिखाएंगे। तो गाइस आधी सफाई हो चुकी है भाई अपनी, बिल्कुल स्टील को ना मतलब देखो शाइनिंग शाइनिंग, छोटू भाई शाम को पता चलेगी? नहीं नहीं इसी टाइम धूप, हाँ धूप में देख रहे हो, ओए अपना बादशाह तो चमक गया भाई। अभी चलेंगे यहाँ से, जाएंगे कोल्ड ड्रिंक लाने, क्योंकि भाई यहाँ ना गर्मी बहुत है और प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, थोड़ा सा रह गया इस साइड, तब तक छोटू भाई इसको लगाते पॉलिश वगैरह, तब तक मैं वापस आ जाऊँगा। और गाइस आपको दिखा देता हूँ मैं पैकिंग कैसे हो रही है भाई, वो भी मैं भूल गया था दिखाना। और यहाँ देख रहे हो क्रेट वगैरह थोड़े से रह गए, क्रेट वगैरह उतार देंगे उसके बाद ना ये लेके जाएंगे भाई की बाइक। अच्छा अच्छा इसमें कोई छोटा भी नहीं दिखेगा, सारे मोटे मोटे टमाटर थे सारे, मतलब एक नंबर जाता है हमारे कश्मीर में, तो जो छांट के निकालते हैं वो कहाँ जाता है, छोटे छोटे जो होते हैं वो यहीं पे, वो लोकल। आप कौन से भाई, यूपी से ही? यूपी से। तो भाई अपने भाई ना यूपी से ही है सारे, मतलब मेहनत कर रहे हैं भाई, देखो रिज़्क रोटी ना इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, ऐसा ही है ना भाई साहब, रिज़्क रोटी ना कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। चलो ये पैकिंग हो जाए, कितने केजी वाला अंदाजे से होता है ये? 28। तो अगर ये ऊंचे अगर लगा रहे हो तो ये दबे के फटेगे नहीं? नहीं ये बैठ जाता है, बैठ जाता है, चलो कोई बात नहीं। और ये रही पैकिंग भाई, देख रहे हो अपनी तकरीबन पैकिंग हो चुकी है, बस थोड़े से क्रेट रहे, तो गाड़ी मुझे लगता है जल्दी थोड़ी निकल जाएगी हमारी, बहुत जल्दी, वहाँ देख रहे हो कितनी देरी है। तो चलो भाई बाइक लेके चलते हैं, पहले कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं। मैं निकल चुका हूँ कोल्ड ड्रिंक के लिए, क्योंकि छोटू भाई ने बोला राजा भाई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आओ, और यहाँ ना गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा था मैं बाइक की, बाइक लेके यहाँ से आ गया सीधा कोल्ड ड्रिंक के लिए, भाई ने बोला कि यहाँ से आके जाओगे 2 किलोमीटर वहाँ आपको एक शॉप दिख जाएगी, वहाँ मिल जाएगी कोल्ड ड्रिंक। और गाइस यहाँ चेक कर रहे हो भाई, पूरी जगह पे ना कोई घर नहीं है, सुनसान सुनसान। और गाइस एक चीज़ बोलो, ये वाली जगह ना मुझे प्यारी लगी, और गाइस कमेंट करके बताना ये वाली जगह आपको प्यारी लगी या नहीं। तो चलो फाइनली पहुँचते हैं शॉप पे, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और पहुँचते हैं फिर अपनी गाड़ी के पास। तो आ चुके अपने बादशाह के पास, और गाइस क्या चमक रहा है भाई अपना बादशाह, कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ देख रहे हो अपना मिनी व्लॉग शूट हो रहा है भाई, आज कंटिन्यू मिनी व्लॉग कर अभी करेंगे। तो बिरार भाई ले आए आपके लिए कोल्ड ड्रिंक भाई, ये लो स्टिंग, स्टिंग भी है भाई, नहीं मिली हाँ दूसरी नहीं मिली। तो भाई चलो पहले कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के फिर एक साइड रह गए वो वाली पॉलिश करके उसके बाद देखते हैं भाई। गाइस हो चुकी है शाम, और शाम के बज चुके 6, अभी तक अपनी गाड़ी में ना एक क्रेट भी नहीं डला, और रीज़न यह है कि अभी ना बिल्कुल पैकिंग हो रही है भाई, देख रहे हो यहाँ भी, ये भी हमारे हैं ना, ये अपने भाई हैं यूपी से, यही गाड़ी लगाते हैं हमेशा, यही साथ लेके आए हैं, यही माल चेक करते हैं, आप ही चेक करते हो सारा माल। तो ऐसा सीन है कि जो ख़राब माल है ना वो अलग कर देते हैं, यहाँ देख रहे हो ये वाला जो ख़राब टमाटर है ना यहाँ रख देते, बाकी ये वाली पैकिंग हो गई है, वहाँ भी पैकिंग हो गई है। और कितना टाइम लगेगा मतलब? सुबह हम 180 क्रेट जिस जगह दे के आए थे वहाँ भी पैकिंग हो चुके, थोड़ी से रहे वहाँ पे, वहाँ 30 क्रेट रहे, बाकी भाई साहब बोल रहे हैं अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, आधे घंटे के बाद हमारी लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और गाइस चेक कर रहे हो भाई, जो पूरा दिन हमने पॉलिश वगैरह की, शाइनिंग देख रहे हो भाई एक नंबर, और यहाँ देख रहे हो भाई ने फॉर्म वगैरह डाल दी, अब ठंड भी नहीं होगी गाड़ी के अंदर, ठंड वगैरह बहुत कम होगी। बाकी भाई साइड से भी दिखा देंगे आपको, बच चुके हैं 7, और यहाँ लोडिंग चल रही है भाई, अब स्टार्ट हो गई है लोडिंग। कितना टाइम लगेगा अब? एक घंटे में हमारी गाड़ी लोड हो जाएगी। हो गया ना फुल? उधर भी हो गया ना? कहाँ गए बहू जी, उधर भी हो गया? हाँ भाई देख रहे हो आराम से क्रेट है छोटू, अच्छे से एडजस्ट करना ताकि टूटे ना, कश्मीर तक जाना पड़ेगा। जो गैप बच रहा है वहाँ बॉस वगैरह लगा लेना, ठीक है? बॉस वगैरह गैप मत रखना, ये क्रेट ढेर हो जाएंगे वहां तक जाते जाते। और पैसा किसका कटेगा, ना आपका ना हमारा ही, तो इतना गाड़ियों में पैसे ही नहीं बच रहे हैं। चलो भाई चलो 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 कंटिन्यू करो। तो भाई अभी देखेंगे कितना टाइम लग रहा है, उससे पहले गाड़ी में थोड़ी रेस्ट करते हैं, क्योंकि अपना गोप्रो भी डेड है, और ऊपर से ना अपनी रील्स वगैरह भी थोड़ी करनी है शूट्स। तो गाइस रात के 1 बज चुके हैं भाई, और यहाँ देख रहे हो अभी हमारा काम खत्म हुआ, 2 बज चुके हैं भाई, और अभी भी मेन रोड पर पहुँच चुके हैं। और गाइस सर में इतना दर्द है ना भाई जिसका कोई हिसाब नहीं, तो अभी जाएंगे सीधा अपने जम्मू वाले ढाबे पे, वहाँ रुकेंगे, घाट में वहाँ रुक के खाना वगैरह खाएंगे, खाना वगैरह खा के गाइस
उसके बाद ना भाई कंटिन्यू या मैं चलूंगा या छोटू भाई, अभी ना सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, दो घंटे छोटू भाई चलेगा उसके बाद मैं ही चलूंगा। तो गैस चलो कोई बात नहीं भाई, पहले यहाँ से यूरिया वगैरह और तेल वगैरह फुल करवाएंगे, उसके बाद निकलेंगे और खाना वगैरह खा के सो जाएंगे और आपको मिलेंगे सुबह एक नए और कंटिन्यू ब्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और गैस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।